नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में चल रहे मामलों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दाखिल ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भेजा है। वहीं आज सुनवाई के दौरान किसानों को नोटबंदी से हो रही परेशानी पर कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि परेशानी दूर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जवाब में सरकार ने बताया कि किसानों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिससे उन्हें बीज खरीदने में कोई परेशानी ना आए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि अब हालात पहले से बेहतर और काबू में हैं। बैंकों में लगने वाली कतारें लगातार कम हो रही हैं। बैंकों में अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और सरकार को उम्मीद है कि 10 से 15 लाख करोड़ रुपए तक जमा होंगे। रोहतगी ने कहा कि इस कदम से बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। देश में डिजिटल पेमेंट और डिजिटल मनी का इस्तेमाल पिछले दिनों बढ़ा है, वहीं ऑनलाइन भुगतान में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लोगों ने 70 साल से पैसे जमा करके रखे हैं, इसलिए कि जाहिर है कि सभी पैसा जमा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट भी नोटबंदी के फैसले के बाद देश के हालातों से चिंतित है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि अगर स्थिति यही रही तो सड़क पर दंगे तक की नौबत आ सकती है। देखते रहिए डीबी लाइव।